हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, और उसी को करने के बाद, मतलब हिट एंड ट्रायल के बाद ही हमको यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मतलब लॉन्ग डिवीजन को लगाने के लिए पहले हिट एंड ट्रायल का यूज करना होगा, तब लॉन्ग डिवीजन लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से, चैप्टर लिया है पॉलिनोमियल्स, और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हिट एंड ट्रायल मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहली बात तो क्वेश्चन में तो आपके पास फैक्टराइज ही लिख के आएगा, पेपर में नहीं लिख के आएगा कि आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है या इसमें लॉन्ग डिवीजन आपको यूज करना पड़ेगा। आपको पहचानना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में होना क्या है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन फैक्टराइज के लिए लिखा आता है उसमें चार तरह के मेथड लग सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि अगर फैक्टराइज आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले कॉमन निकालने की कोशिश करना कि कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। कॉमन निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉमन निकलने के बावजूद सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप लग सकता है। ऐसा हुआ कि सर कॉमन निकलने के बाद कुछ लग ही नहीं रहा, तो समझ लेना कि एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है वो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो मेथड चार नंबर से कम का आ ही नहीं सकता, ये कंफर्म है। ठीक है, तो पहला मेथड हमारा क्या है कि हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकल गया बहुत अच्छी बात है, उसके बाद भी फैक्टराइजेशन हो सकता है सेकंड मेथड, थर्ड मेथड या फोर्थ मेथड से। चलिए अब सेकंड मेथड क्या है, मान लीजिए कॉमन आ ही नहीं रहा या कॉमन आ चुका है, उसके बाद अब क्या करना है, तो चेक करिए क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूं हमारे पास जो पॉलिनोमियल की टोटल आइडेंटिटीज है उसमें से कोई अप्लाई हो रही है। अगर अप्लाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन लास्ट में खत्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन आप कहोगे कि सर आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रही है, तो फिर तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरा मेथड है क्या चेक करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं हो रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है तो बस ठीक है, लगा दीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आपको पता चला सर ये तो स्प्लिटिंग भी नहीं हो रहा, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर ले, कॉमन भी नहीं आ रहा, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, तो पक्की बात है हमारा चौथा मेथड जो अब जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं हम, क्या हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, और उसी को करने के बाद, मतलब हिट एंड ट्रायल के बाद ही हमको यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मतलब लॉन्ग डिवीजन को लगाने के लिए पहले हिट एंड ट्रायल का यूज करना होगा, तब लॉन्ग डिवीजन लगेगा। अब ये क्वेश्चन इस चौथे मेथड से ही होगा, और मैंने आपको भी बोला था कि अगर हिट एंड ट्रायल लग रहा होगा तो क्वेश्चन फोर नंबर से कम की वेटेज का आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वाई टर्म्स में है तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, मान लो एक्स की टर्म में होता तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखते। अब हिट एंड ट्रायल में करते क्या है, हम यहां y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें अपनी तरफ से जिससे कि पूरा f ऑफ y जीरो हो जाए। तो क्वेश्चन आता है सर क्या पुट कर सकते हैं, तो बेटा आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 -1 2 -2 3 -3 कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन पुट करने वाला स्टेप आपको इस 5 से दिखाई देगा। कैसे, देखो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 के कौन कौन फैक्टर है, 5 है और 1 है, और ध्यान रखना हिट एंड ट्रायल में इस 5 की जगह हम लिखेंगे प्लस माइनस 5 और 1 की जगह लिखेंगे प्लस माइनस 1। मतलब आपके पास कुल मिला के टोटल 4 ऐसे फैक्टर है जिसे आप यहां चेक करोगे कि आपका एफ ऑफ वाई जीरो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर जीरो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो माइनस 1 से करेंगे, माइनस 1 से हो गया जीरो तो बहुत अच्छी बात, फिर 5 से करेंगे या माइनस 5 से करेंगे। इस बात का गारंटी है कि ये चार जो डिजिट हमारे पास है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5, एक पर तो ये जीरो होगा ही होगा, एक से ज्यादा पे भी हो सकता है, लेकिन हमें तो किसी एक पर चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने y की जगह पुट किया 1 और चेक करते हैं ये जीरो हो रहा है क्या। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और 5, तो ये कितना आ गया 1 -3 -9 और -5। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर जीरो आएगा, तो कंफर्म है कि ये 1 पर तो जीरो नहीं हो रहा है, तो चलिए माइनस 1 पे चेक करेंगे। अब क्वेश्चनाइज होता है कि सर ऐसे कितनी बार देख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड की यही प्रॉब्लम है, आपको हर वैल्यू के लिए चेक करना पड़ता है, लेकिन यहां तो कंफर्म है कि आपके पास टोटल 4 ही वैल्यूज है जिस पर ये चेक होना है। ठीक है, चलो माइनस 1 डालते हैं, तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस का 5, ये कितना होगा, देखो माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1,
माइनस का 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, फिर ये हो गया प्लस का 9 और माइनस का 5, ये कितना आ गया देखिए, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 9, 5 और 3 8 और 1 9, तो देखो जरा ध्यान से, माइनस 9 प्लस 9 और ये हो गया 0। तो ये बात कंफर्म है कि y इज इक्वल टू माइनस 1 डालने पर ये पर्टिकुलर फंक्शन 0 हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला, आपने y इज इक्वल टू माइनस 1 डाला और आपका f ऑफ y क्या हो गया, 0 हो गया। शोज दैट y प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ वाई, इससे ये बात पता चला। तो y प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन फंक्शन। अब क्या करना है, अब इस y प्लस 1 से लॉन्ग डिविजन मेथड लगाकर इस एफ वाई को डिवाइड करना है। चलिए एक्सप्रेशन लिख दिया है, y प्लस 1 से मतलब जो मेरा फैक्टर मैंने अभी ढूंढा था उससे अपने फंक्शन को डिवाइड कर रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, y में कितना मल्टीप्लाई करूं कि y क्यूब आ जाए, तो भाई पक्की बात है y में y स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो y क्यूब आ जाएगा। तो ये लीजिए आ गया y क्यूब। अब इस प्लस 1 को इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू y स्क्वायर इज y स्क्वायर, वो भी प्लस का, नीचे लिख दीजिए y स्क्वायर के। अब नीचे के साइन चेंज करिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस कर देता, प्लस का वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 1y स्क्वायर तो माइनस का 4y स्क्वायर बचा हुआ एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक है ये स्टेप क्लियर हुआ। फिर से y में कितना मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 4y स्क्वायर आ जाए, तो पक्की बात है मुझे माइनस का 4y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y में अगर माइनस का 4y मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 4y स्क्वायर ही आएगा। अब प्लस 1 को फिर माइनस 4y से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर माइनस का 4y आएगा। चलिए साइन चेंज कीजिए, नीचे का साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, तो माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 9y प्लस का 4y तो माइनस का 5y बचा हुआ माइनस का 5 एज इट इज कॉपी कर दो। अब फिर से y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 5y आ जाए, पक्की बात है माइनस y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस का 5y, फिर प्लस 1 से माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 5 साइन चेंज कीजिए, ये प्लस और ये प्लस, फिर ये ऑपोजिट साइन है दोनों का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, नीचे 0 आ गया। अगर नीचे 0 आ गया है इसका मतलब ये हुआ कि अब तक के जितने हमने स्टेप्स लिखे हैं वो परफेक्ट करेक्ट है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा जो एफ वाई था, जो एक्चुअल में इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये रिड्यूस हो गया किसमें, आपके डिवाइजर में और इनटू आपके क्वेश्चन में, जिसके लिए ये लॉन्ग डिविजन किया गया है। अब इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो नीचे कॉपी होता जाएगा। और ये क्या है, ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, भैया हाईएस्ट पावर 2, फिर यहां पर 1 और यहां पर y है ही नहीं, तो 2 1 और 0 की फॉर्म में y का पावर है, तो गारंटीड है कि ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही किया जाएगा। तो चलिए, तो f ऑफ y इज इक्वल टू, इस y प्लस 1 का तो कुछ नहीं करना, चलिए यहां देखते हैं अब कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, चलिए वो भी देख लीजिए। इस 5 को और y स्क्वायर के आगे जो कोफिशियंट लिखा हुआ है जो कि 1 है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 1 इज 5, और इस 5 के फैक्टर निकाल लीजिए जो कि 5 और 1 ही आएगा। इस 5 और 1 को इस तरह से एडजस्ट करो कि आंसर में माइनस का 4 आ जाए, तो बड़ा आसान है, माइनस का 5 ले लीजिए प्लस का 1 ले लीजिए, तो कितना लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 1y जो कि y ही होता है एक्चुअल में, माइनस का 5, ठीक है y प्लस 1 एज इट इज ब्रैकेट। चार टर्म में अगर स्प्लिट हो जाए तो गारंटी है पहले दो टर्म और अगले दो टर्म में से कॉमन जरूर आ रहा होगा। तो चलो पहले दो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, बचा क्या, y माइनस का 5, ये वाला साइन एज इट इज कॉपी कर दो, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। अगले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, वैसे कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा y और 5 में से, तो क्या कॉमन आएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट। अब जब 1 ही कॉमन लिया है तो एज इट इज पूरा टर्म कॉपी कर दो, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, चेक करो y माइनस 5, y माइनस 5 फिर कॉमन आ गया, तो y प्लस 1 फिर जो कॉमन निकाला y माइनस 5। अब सोचो कि अगर y माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या दिख रहा है, y दिख रहा है प्लस 1 दिख रहा है, y प्लस 1, ये लीजिए फैक्टराइज पूरा हो गया।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्योंकि हिट एंड ट्रायल ही लगना था, कोई और मेथड लग नहीं सकता था, सबसे पहले हमने फैक्टर ढूंढा, उस फैक्टर से फिर हमने उसे लॉन्ग डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन के बाद हमेशा स्टेप आएगा कि यहां पर स्प्लिटिंग होगा, क्वेश्चन स्प्लिट होकर हमारा आंसर आ गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर स्प्लिटिंग द मिरर टर्म का सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिनोमियल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको लॉन्ग डिवीजन के और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, आप जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।